मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक होनहार स्टूडेंट ने अपनी भाभी की गुस्से में हत्या कर दी। नीट की तैयारी कर रहे इस स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के दौरान डिस्टरबेंस पसंद नहीं आया और उसने भाभी की गुस्से में चाकू से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। बताया जाता है कि भोपाल के गांधीनगर स्थित शांति नगर में एक अहिरवार समाज का संयुक्त परिवार रहता है। 22 साल का मनोज अहिरवार अपने पिता के साथ रहता है और उसके दो अन्य भाई भी साथ ही रहते हैं। पिता और दो अन्य भाई काम करते हैं तो मनोज नीट की तैयारी कर रहा है। उसके घर पर भांजा कुणाल भी आया हुआ था और सोमवार की शाम को वह पढ़ाई कर रहा था। इस बीच भाभी कविता का 2 साल का बेटा रोने लगा तो उसे वे तेज आवाज में डांटने लगी। भाभी को शांत रहने का कहने पर विवाद कविता को देवर मनोज ने शांत रहने को कहा। उसने कहा कि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस बीच दोनों देवर भाभी में झगड़ा होने लगा और कुणाल यह सब देख रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि मनोज ने सब्जी काटने का चाकू उठाया और भाभी पर वार शुरू कर दिए। गर्दन पेट में चाकू से हमला किया और भाग गया। कुणाल ने पड़ोसियों को घटना की सूचना दी और कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।